हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, द एज ऑफ इंडियन रेनेसांस, द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं वो है, दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हो क्या रहा है वो समझाता हूं मैं। सबसे पहले जो भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में, वो हिंदू राज पढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसमें नॉर्थ की हिस्ट्री, साउथ की हिस्ट्री कराई जाती है। और फिर उसके बाद पढ़ाया जाता है मिडिवल हिस्ट्री, जो इस्लामिक रूल था इंडिया में, जो लगभग 1206 से लेकर 1707 तक है। फिर 1707 से बाद का इतिहास जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है भारत का, जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं। तो इसमें डाउनफॉल होता है मुगल्स का और राइज होता है यूरोपियंस का, स्पेशली इंग्लिश, ब्रिटिशर्स रूल। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज करने लगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आया, तो साथ ही साथ उनको इंप्लॉयज की जरूरत पड़ी। उनके ऑफिसर्स चाहे इंग्लिश होते थे, पर क्लर्क्स एंड अदर स्टाफ इंडियंस होता था ज्यादातर। तो इसलिए मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया में आना एक मजबूरी बन गया, आना ही पड़ा मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में। यानी क्या पढ़ाया जाने लगा, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे बहुत बाद में आया था, और हिस्ट्री, और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी। तो ये सब पढ़ाई जो है, जो कि यूरोप की होती थी, वो यूरोप वाले नाम, वही सब सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाई आने स्टार्ट हुई। तो जिसकी वजह से एक ओवरऑल मेंटल रेवोल्यूशन का दौर था ये भारत के लिए। भारत के लोग कंपेयर करने लगे, रूस में क्रांति आई थी, रशियन रेवोल्यूशन, अगर वहां के लोग जो है वहां के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं उठा सकते। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया गया, तो लोगों ने कहा कि अगर वहां के लोग फ्रांस में क्रांति ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते, दे आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ाया गया कि इंग्लैंड, जो कि पहले अमेरिका पर राज करता था, जब इंग्लैंड को वहां से भगा दिया गया और अमेरिकन आजाद हो गए, तो क्या भारतीय लोग इकट्ठे होके इंग्लिश पीपल को, वही इंग्लिश लोग जिनको अमेरिका खाली करना पड़ा, क्या वही इंग्लिश लोग को भारत से भगाया नहीं जा सकता। तो अंग्रेजों ने पढ़ाई यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की पॉलिटिकल साइंस जो यहाँ पढ़ाया, उसी से बैकफायर हुआ उन्हीं के ऊपर, लोगों में क्रांतिकारी विचारधाराएं पैदा हुई। भगत सिंह लेनिन की सोच से बहुत हद तक प्रभावित था, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। तो यही नहीं, इसके साथ साथ जो साइंस पढ़ाई गई, वो वैदिक ज्ञान से काफी दूर थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहां के पुराण ना पढ़ाकर क्या पढ़ाया जा रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही थी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को सिस्टमेटिकली पढ़ाया जा रहा था। और यहां पर एक आवाज उठनी शुरू हुई, Why not to think rationally? एक आदमी के मरने के बाद उसकी औरत को साथ में जिंदा जलाकर सती कर देना कहां तक सही है, शायद सही नहीं है, क्लियर। अंग्रेजों ने स्टेप्स उठाए, विडो रीमैरिज क्यों ना हो, अगर एक औरत के हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो विधवा हो गई है, विडो हो गई है, तो उसकी मैरिज क्यों ना हो। फिर चाइल्ड मैरिज, छोटी छोटी बच्चियों की, 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची की शादी हो जाती थी, ठीक है, और हैजा फैलता था, पूरे गांव खत्म हो जाते थे, लड़का मर गया और वो बाल विधवा बन गई, और फिर उसका सिर मुड़ के उसको देवदासी बना दिया जाता था, भगवान कृष्ण के आश्रम में दान करके आ जाते थे, सैड प्लाइट ऑफ देवदासीज। तो चाइल्ड मैरिज ही गलत है, ठीक है, तो मूर्ति पूजा गलत है, कास्ट सिस्टम गलत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अशूद्र तो इंसान नहीं समझते थे, ठीक है, उनके साथ इतनी यातनाएं होती थी, ह्यूमन राइट्स जो थे वही उनको अवेलेबल नहीं थे। तो
उच्च कोटि के जो लोग थे वो भी सोचने पर मजबूर हुए जब उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाया गया, साइंटिफिक अप्रोच आई उनमें। तो ये दौर था रीबर्थ का, रेनेसांस, ठीक है। तो वर्ल्ड में भी रेनेसांस हुआ। इस प्रकार की कुरीतियां केवल भारत में ही नहीं, इस दुनिया के हर देश में थी। अगर भारत के अलावा जो देश है अगर वहां से कुरीतियों का सफाया हो सकता है तो भारत से कुरीतियों का सफाया क्यों नहीं हो सकता? सुपरस्टिशंस यहां से खत्म क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्यों ना स्टेप्स उठाए जाएं। ये बात भारत में हुई और आज मैं आपको वही पढ़ाने जा रहा हूं, किस तरह से ह्यूमन राइट्स के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, कैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आई। क्योंकि भारत में धर्म एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को अंदर तक छू रहा है। यहाँ की राजनीति भी धर्म से प्रभावित है। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो सभी पॉलिटिशियंस मंदिरों में, गुरुद्वारों में और बाबों के यहाँ मत्थे टेकने चले जाते हैं कि उस बाबा जी के सारे फॉलोअर्स फिर कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे। आपको पता रहना चाहिए आसाराम जी बापू जो भी जेल में है उनके सामने भी हर नेता ने सिर झुकाया। गुरमीत बाबा राम रहीम जो कि अभी जेल में है उनके सामने भी हर पॉलिटिशियन ने सिर झुकाया। तो राजा जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी धर्म के साथ चलते हैं। तो अगर सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आनी है वो तब तक नहीं आ सकती थी जब धर्म के साथ उसको ना जोड़ा जाए। समझ में आया? जब तक धर्म गुरु अपने प्रवचनों में ये बातें नहीं कहेंगे कि समाज में ऐसा होना चाहिए तब तक लोगों को समझ में नहीं आता। समझ में आया? तो इसलिए ये सोशल रिफॉर्म के साथ साथ रिलीजियस रिफॉर्म भी था और रिलीजियस रिफॉर्म से ही आया सोशल रिफॉर्म। तो आज के टॉपिक की मेन हेडिंग है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। हेडिंग डाल दीजिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड आई कैन मेक डायग्राम्स एज वेल। फाइन, so here we go and here are these notes that I am making available to you. I'll be giving the PDF also for all these topics. fine, start karte hain. aapke samne jo heading hai wo diya hua hai cultural and social and cultural uprisings. isi ko aap socio religious reform movements bhi keh sakte hain. theek hai, ye dekhiye kya clearly visible hai sabko, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मे आई प्रोसीड फर्दर? करूं स्टार्ट? चलो जी, सबसे पहले मैं इसको बहुत जबरदस्त तरीके से आपको करवाने जा रहा हूं। ये देखो, सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग, समझिए इस बात को कि पहले तो हिंदू राज था भारत में, ठीक है, फिर उसके बाद इस्लामिक रूल आया भारत में जो कि 1206 से 1707 तक बेसिकली था, मेनली था। तो ये था हमारा मिडिवल हिस्ट्री, ये था हिंदू राज था एंशिएंट हिस्ट्री। और 1707 से 1772 तक का जो टाइम था उसमें मुगल्स का हुआ डाउनफॉल और ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई राइजिंग, ओके, और देश पर राज करने लग गई अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू किया, यहां पर मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, उससे हमारे यहां क्या आ गया, सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। कौन कौन से गुट बने, कौन से ग्रुप्स बने जिसके द्वारा ये सब कुछ हुआ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ब्रह्मो समाज, ठीक है, एक रिफॉर्मर थे जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। कुछ बुक्स में आपको इसकी जो स्पेलिंग मिलेगी वो राजा राम मोहन रॉय भी मिलेगी, मोहन रॉय, राजा राम। ये राजा वर्ड कहां से आया समझिए, जो लास्ट मुगलों का राजा था, इस्लामिक रूलर था, उसका नाम था बहादुर शाह सफर, ठीक है, जिसको अंग्रेजों ने कहां भेज दिया था, मैंने पिछले सेशन में आपको करवाया था। बताओ इसका लाइफ का एंड कहां हुआ, कौन देखते हैं, कौन पहले जवाब देगा, बहादुर शाह जफर की मौत कहां हुई,
जफर की मौत कहाँ हुई थी, जल्दी बताओ। इसके जीवन का अंत कैसा हुआ, इसका पॉलिटिकल करियर का एंड कैसे हुआ, जल्दी बताओ। देखते हैं कौन पहले बोलेगा। कमान वंशिका, सर इन म्यांमार आई थिंक। रंगून में बच्चे, रंगून इन म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा, ठीक है। और अंग्रेजों ने इसको डिपोर्ट करके वहां भेज दिया। क्यों डिपोर्ट किया, इसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा क्या किया था। रानी लक्ष्मीबाई वाला जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे, मंगल पांडे, इन सब जो रिवोल्ट किया था, उसमें इन्होंने कहा यह था, हम बहादुर शाह जफर को एक बार फिर से भारत का अनडिस्प्यूटेड अनपैरल्ड किंग बनाएंगे। तो इसके नाम पर वो रिवोल्ट हुआ था। इसकी सजा इसको ये मिली जब रिवोल्ट को क्रश कर दिया, ब्रिटिशर्स ने इसको पेंशन कर दी इसकी बंद, और उठाकर कहां फेंक दिया, रंगून, एंड ही वाज अंडर हाउस अरेस्ट देयर। तो राजा राम मोहन रॉय की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। जो फादर थे बहादुर शाह जफर के, उनका नाम था अकबर टू, वो भी एक मुगल राजा थे, ठीक है जी। और वो पेंशनर थे, वो पैदा भी हुए थे तो एज अ पेंशनर ऑफ, व्हेन ही बिकेम अ किंग, ही बिकेम डायरेक्टली पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर से पेंशन लिया करते थे, अपने पेंशन के अमाउंट को बढ़वाने के लिए इन्होंने एक पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले इंसान राजा राम मोहन रॉय को कहा, यू गो टू लंदन और वहां पर क्राउन के आगे आप रिप्रेजेंटेशन दो और रिक्वेस्ट करो कि हमारे यहाँ का पेंशन का रेट बढ़ाया जाए, राजा को ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। और राजा राम मोहन रॉय ब्रिटेन गए, उन्होंने कोशिशें की, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी, रिक्वेस्ट की, और पेंशन का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। इसका इनाम क्या मिला, अकबर टू ने राम मोहन रॉय को टाइटल दे दिया राजा का। इससे इनको ये टाइटल कॉन्फर हुआ था, राजा, राजा वर्ड मिला इनको लगाने के लिए। टाइटल वो वर्ड है जो नाम से पहले लगा सकते हैं, ना सिर्फ नाम के आगे लगा सकते हैं, साथ में जमीन मिलती है, साथ में पैसे मिलते हैं हर महीने, समझ में आया, तो एक रैंक मिल जाता है, ओके। तो राजा राममोहन रॉय के नाम पीछे राजा टाइटल किसने दिया, अकबर टू ने दिया। क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने इसकी पेंशन बढ़वाई थी। कब, इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय का टाइम पीरियड 1771 से 1833, और ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो पहला मॉडर्न सोच का कोई इंसान था भारत में, तो वो ये था, ठीक है। अर्लीस्ट प्रोपोगेटर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, कि वेदों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। ये भारतीय लोगों के दिमाग में बिठाने का काम जो सबसे पहले किसी ने किया, तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी वो क्या थी, सबसे पहले इन्होंने बनाई आत्मीय सभा, कब बनाई, 1814, फिर बनाई ब्रह्मो सभा इन 1828, और थर्ड नंबर पर जाके बनाया था ब्रह्मो समाज 1830 में, जो सबसे ज्यादा हिट हुआ। याद रखो, पहली ऑर्गेनाइजेशन थी आत्मीय सभा, दूसरी ब्रह्मो सभा, और तीसरी ब्रह्मो समाज, ठीक है। ये क्या बोलते थे, मेन इनकी प्रीचिंग्स क्या थी, पहली चीज, ठीक है, मोनोथिज्म। चलो मैं नहीं बताता, आप बताओ, व्हाट इज मोनोथिज्म, व्हाट इज मोनोथिज्म, मोनोथिज्म क्या है, कोई बोलेगा। अथीस्ट तो पता है सबको, अगर मैं बोलो, यस सर, मोनो सर, मोनोथीज्म मींस लाइक मोनोथीस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड, दैट गॉड इज वन। एथिज्म क्या है, यस सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एथिज्म, हु इज एन अथीस्ट, अथीस्ट कौन होता है, अथीस्ट वर्ड नहीं सुना होगा कभी। यस सर, सर अथीस्ट एंड थीस्ट सर, इट इज अ पर्सन लाइक अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड।
एथीस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स वो एथीस्ट है जो कहता है भगवान एक होता है मोनो वो गॉड इज वन वो कहता है वो है मोनोथिज्म ठीक है और सिखिज्म क्या बोलता है एथिज्म या मोनोथिज्म सिख रिलीजन क्या बोलता है बोलो बोलो गुरु नानक देव जी क्या थे मोनोथिज्म एक ओंकार जो ये लिखा जाता है एक ओंकार ये है एक वन ओंकार यानी कि ईश्वर गॉड इज वन ठीक है और इस्लाम क्या कहता है इस्लाम कहता है ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह ला इला इल्लल्लाह यानी गॉड इज वन ठीक है एंड मोहम्मद रसूल अल्लाह की प्रॉफिट मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ गॉड क्लियर तो मोनोथिज्म में ही विश्वास रखते हैं हम हिंदुओं में कहा जाता है ओम ओम का मतलब गॉड इज वन ठीक है तो हम सभी ये कहते हैं परमात्मा एक है ईश्वर एक है क्लियर सो दिस इज मोनोथिज्म चले आगे और आगे चलते हैं सो ब्रह्मो समाज की जो पहली बात थी वो ये थी कि गॉड इज वन देन एंटी आइडोलेट्री ऑफ इस्लाम एंटी आइडोलेट्री ऑफ इस्लाम ये क्या चीज है देखते कौन बताएगा आइडल वर्ड क्या मतलब है IDOL सर आइडल इज लाइक आइडल ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस मूर्ति मूर्ति ठीक है तो एंटी आइडोलेट्री क्या हो गया एंड इसका मतलब बता दो कोई मुझे एंटी आइडोलेट्री परवाज कम ऑन पार्टिसिपेट आप जवाब ही नहीं दे रहे हो स्नेहा एंड परवाज परवाज नो बिलीफ इन आइडल वर्शिप वेट परवाज बोलेगा परवाज एंटी आइडोलेट्री ऑफ इस्लाम को एक्सप्लेन करो क्या होता है कम ऑन बच्चे दिमाग लगाओ स्नेहा रिप्लाई एक्सप्लेन करो एंटी आइडोलेट्री ऑफ इस्लाम क्या है कम ऑन क्या हो गया आपको स्नेहा एंड परवाज स्नेहा हेलो कैन यू हियर मी यस सर बताओ क्या मतलब निकाल रहे हो आइडल वर्ड का मतलब होता है बुत यानी पूजा यानी कि मूर्ति ठीक है एंटी आइडोलेट्री इस्लाम ये कहता है बुत पूजा गलत है यानी मूर्ति पूजा गलत है आप देखो कभी किसी मस्जिद में आपको प्रॉफिट मोहम्मद की फोटो या मूर्ति नहीं मिलेगी समझ में आया कहीं पर भी नहीं मिलेगी इवन की नॉट ओनली दिस बट मेनी रीजंस आर देयर ठीक है जहां पर मूर्तियों की पूजा गलत है जैनिज्म में भी मूर्ति पूजा को गलत बताया गया इसीलिए आपको कहीं पर भी लॉर्ड महावीर की मूर्ति या फोटो नहीं मिलेगी गौतम बुद्ध की मिलेगी बुद्धिज्म में कभी भी मूर्ति पूजा के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया इसलिए गौतम बुद्धा की बहुत सी आपको मूर्तियां मिलती हैं कभी किसको जो देखो जैन धर्म किसने शुरू किया था लॉर्ड महावीर और बुद्धिज्म किसने शुरू किया गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध की मूर्तियां फोटो तो बहुत जगह मिलेगी कहीं पर लॉर्ड महावीर की मिली नहीं मिली समझ में आया क्यों नहीं मिली बिकॉज ऑफ एंटी आइडोलेट्री पर एंटी आइडोलेट्री शुरू कहां से हुई थी सबसे इवन की क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में बहुत बड़ा फर्क है ये अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखोगे आपको जीसस क्राइस्ट की फोटोज मिलेंगी जो उनको प्लस वाले साइन के ऊपर टांगा हुआ है क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट तो आपको ना सिर्फ इतना कई ऐसी मूवीज भी मिलेंगी जिसमें किसी ने जीसस क्राइस्ट का रोल प्ले किया है ठीक है एक अभी रणबीर कपूर की मूवी थी उसमें जीसस क्राइस्ट दिखाए गए थे कार चलाते हुए समझ में आया कि एक भेड़ की का बच्चा दिखाया गया था कुछ ओके अच्छा प्रेम की गजब कहानी दोबारा बताना कौन सी अजब प्रेम की गजब कहानी अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी थी याद आ गया मुझे तो जीसस क्राइस्ट लेकिन जो इस्लाम के प्रॉफेट मोहम्मद थे वो कभी किसी मूर्ति के रूप में फोटो के रूप में या किसी मूवी में आपको नहीं मिलेंगे लॉर्ड महावीर कहीं नहीं मिलेंगे गौतम बुद्ध हर जगह मिलेंगे हिंदुइज्म के सारे देवी देवताओं के टीवी सीरियल्स मिलेंगे रामायण महाभारत भगवान श्री कृष्ण उनकी मूर्तियां भी मिलेंगी तो बुत पूजा
मूर्ति पूजा कुछ धर्मों में अलाउड है, कुछ में नहीं है। सिखिज्म में कुछ हद तक अलाउड है, कुछ हद तक नहीं है। आप स्टिल फोटो दिखा सकते हो पर मूविंग फोटो नहीं दिखा सकते। कुछ ऐसी एनिमेशन मूवीज बनी है सिखिज्म के ऊपर जिसमें गुरु महाराज दिखाए गए हैं, पर गुरु महाराज जो दिखाए गए हैं वो सिर्फ स्टिल फोटो में दिखाए गए हैं। फोटो को मूव कर देंगे मगर उनका कोई कार्टून नहीं बनाएंगे। समझ में आया? तो ये फर्क है। जबकि हिंदुइज्म में देखो तो लॉर्ड गणेशा के सीरियल चल रहे हैं, हनुमान का बाल हनुमान का सीरियल चल रहा है टीवी पर। तो एंटी आइडोलेट्री समझ में आ गया। इस्लाम से कॉन्सेप्ट आया था एंटी आइडोलेट्री, और कौन कौन से रिलीजन्स पर इफेक्ट डाला उसने इंडिया में, ठीक है, सिखिज्म पर डाला, ठीक है, जैनिज्म पर डाला। समझ में आया? और आगे चलते हैं। फिर आता है सूफिज्म, कि भगवान की याद में आप जो संगीत की रचना करते हैं, ठीक है, देन एथिकल टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि अच्छे काम करो, ठीक है, किसी गरीब की मदद करो, चैरिटी करो, ये क्रिश्चियनिटी की अच्छी अच्छी बातें ब्रह्मो समाज ने अपनाई। देन लिबरल एंड रैशनलिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ वेस्ट, कि हर चीज के पीछे रीजन पूछो कि अगर आप कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए तो क्यों, रात को बाहर नहीं निकलते तो क्यों, ठीक है, एक लड़की का, लड़की शादी से पहले अपने होने वाले पति का चेहरा ना देखे क्यों, लड़की को हमेशा पर्दा में रखा जाए क्यों, लड़की को पढ़ाया ना जाए क्यों, बाल विवाह करना चाहिए क्यों, हर चीज के रीजंस पूछो, ठीक है, एंड देयर शुड बी रीजन। जैसा कोई कारण नहीं है क्यों ऐसे करना है मत करो। समझ में आया? देन लेड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डिग्निटी, कि इंसान को इंसान समझो, हर इंसान को डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। क्रिटिसाइज्ड सोशल इवेंट्स, समाज में जो गलत काम हो रहे हैं खासकर सती जैसे, फिर छुआछूत अनटचेबिलिटी, वो गलत है, ठीक है। देन ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट फॉर द एबॉलिशन ऑफ सती, एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई गई सती प्रथा को रोकने के लिए, ठीक है, कैसे चलाई गई, अपने जर्नल्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, और उसका नाम क्या था, संबद्ध कौमुदी, ठीक है जी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में यह सुपरहिट हुई थी तो बंगाली लैंग्वेज काफी यूज हो रही थी, और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इन 1820, ये दो मैगजीन्स थी जो कि किसने निकाली, ब्रह्मो समाज ने, ठीक है, कि जीसस क्राइस्ट ने जो अच्छी अच्छी बातें कही थी उसके बारे में भी लोगों को पता चले, ओके। और संबद्ध कॉमेडी में वुमेन के लिए एक जिसे कहते हैं मूवमेंट चलाई गई, ठीक है। देन और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, ही वाज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट। देखिए पेपर में क्वेश्चंस आजकल कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट राजा राममोहन रॉय। समझ में आया? इनकरेक्ट पूछ लेते हैं और तीन बातें सही लिख देते हैं, एक गलत लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, ओके। तो ही वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट। अब गिफ्टेड लिंग्विस्ट वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब वो कई भाषाओं के ज्ञानी थे, ठीक है, एक दर्जन से भी ज्यादा भाषाएं उनको आती थी, उनकी वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से उनको इतनी भाषाएं आती थी। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ संस्कृत, पर्शियन, पर्शियन को हम फारसी भी कहते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, सुना हुआ है? हाँ, इसको अगर कंप्लीट करो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो देखते हैं कौन बच्चा इसका मतलब बताएगा मुझे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कम ऑन। परवाज, आपने कोई जवाब नहीं दिया आज, परवाज बताएगा मुझे तो कब ये लाइन बोली जाती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सर डोंट नो यार, आज तक कहावत नहीं सुनी आपने? नो सर। जब कोई और बताना चाहेगा जवाब, या मैं बताऊं? यस, भारती ने जवाब दिया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हाँ बहुत तक सही है ये, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब निकला तो इसलिए मैं समझाता हूँ। जब कोई आदमी खुद अपने आप को वॉलंटियर करे
क्या ये काम मैं करूं कोई अच्छा काम करने के लिए? तो भाई लैला निकी और पूछ अच्छी बात है करो, मैं तो हम तो खुद चाहते तुम ये काम करो। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, और पढ़े लिखे को फारसी, पढ़े लिखे के लिए क्या मुश्किल है फारसी पढ़ना, तो तुम्हारे लिए क्या मुझे, यस यू कैन डू इट, वेरी गुड। अगर कोई आदमी हिम्मत दिखा के कोई अच्छा काम करने की बात करता है तो उसकी हौसला अफजाई करने के लिए कहता है हाथ कंगन को आरसी क्या, निकी और पूछ करो, वेरी गुड, ठीक है। और देन इज अरेबियन, अरेबिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज एंड हेब्रू। ही वॉज अपोज टू संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, भारत में एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है, वो है संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हालांकि देर आर मैनी इन इंडिया विच हु स्टिल प्रोफेस दैट एजुकेशन शुड बी इन संस्कृत, बट देर वर मैनी कॉन्स, देर वर मैनी प्रॉब्लम्स विद एजुकेशन इन संस्कृत। कम ऑन, स्नेहा बताएगी हमें संस्कृत में एजुकेशन के खिलाफ क्यों थे राजा राम मोहन रॉय। कमान कमान कमान, अपने विचार इस पर रखो, संस्कृत की पढ़ाई के खिलाफ क्यों थे राजा राम मोहन रॉय। बोलो बोलो, संस्कृत एजुकेशन के खिलाफ क्यों थे राजा राम मोहन रॉय। कमॉन, देखते कौन जवाब देगा। कमॉन परवाज, परवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। बोलो, संस्कृत में अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये गलत है, ये क्यों कहा राजा राम मोहन रॉय ने, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों बोला होगा? और इससे कोरिलेटेड आज की डेट में मॉडर्न वेस्टर्न, आज की डेट में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी सरकार लेके आ रही है उससे कोरिलेट करके बताओ इसको। मोदी सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है सभी स्कूल्स के लिए, और उस सब में कह रही है एजुकेशन मस्ट बी इन मदर टंग। एक प्रांत में जिस भाषा में आम बच्चे बातें कर रहे हैं उसी भाषा में उनको पढ़ाया भी जाए, ना कि इंग्लिश में। हम मदर टंग में एजुकेशन इन मदर टंग को प्रमोट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है। जब आपको कुछ पढ़ाया जाए उस समय पर अगर आपको किसी ऐसे भाषा में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो कि आप जनरली बोलते नहीं है, तो आप हर चीज को ट्रांसलेट करते हो। इफ माई लेक्चर वर 100% इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्वाइट पॉसिबल देर माइट बी सम स्टूडेंट्स हु माइट नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देर माइट बी सम प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू मिक्स व्हाइल टीचिंग, आई हैव टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एंड समटाइम्स इन पंजाबी एज वेल, बिकॉज आई हैव टू टीच इन द लैंग्वेज विच इज familiar to you people. So Sanskrit was not the language of common man, rather Sanskrit was the language that was known only to Brahmins. वेदों का ज्ञान आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा था? क्योंकि सारे वेद जो थे वो संस्कृत में लिखे थे और संस्कृत से ब्राह्मिन्स को आती थी, और ये एक फॉर्मूला था ब्राह्मिन्स को अपने आप को सुप्रीम बनाए रखने का। तुम क्या जानो, तुम तो वेद भी नहीं पढ़ सकते, तुम तो, एक इंटेलिजेंट इंसान को लगता था मेरे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि संस्कृत सबको आती नहीं थी। तो उसने कहा संस्कृत में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, हिंदी सब बोल लेते तो हिंदी में पढ़ाओ बच्चों को, हमें तो ज्ञान देना है कि अगर एक सेब गिरेगा तो धरती की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे बोलो ना, ऐसे वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हो? संस्कृत में कोई बात करता है आपस में एक दूसरे से? नहीं करते। संस्कृत में पढ़ाया क्यों जाए फिर? समझ में आया, एज ए लैंग्वेज पढ़ा लो, पर कम से कम बाकी ज्ञान तो संस्कृत में ना दें। Then he gave enthusiastic assistance to David Hume. हिंदू कॉलेज कलकत्ता में किस प्रोफेसर ने बनाया? डेविड हेयर, और डेविड ए हेयर को प्रमोट किया, ठीक है, क्योंकि डेविड हेयर कहते थे हर किसी को पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो डेविड हेयर के जो मॉडर्न ख्यालात थे एजुकेशन के बारे में,
जिसके तहत उन्होंने हिंदू कॉलेज शुरू किया कलकत्ता में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की ये मूवमेंट थी और राजा राम मोहन रॉय ने पूरी तरह से सपोर्ट किया डेविड हेयर को उनकी मूवमेंट में, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? अच्छा ये बताओ, हिस्ट्री बोरिंग तो नहीं लग रही? जल्दी बताओ। नो सर। मजा आ रहा है? वेरी गुड। यस सर। पढ़ाएंगे आपको। देन फिर खुद राजा राम मोहन रॉय ने भी अपना एक कॉलेज शुरू किया और उस कॉलेज का नाम था वेदांत कॉलेज। वेद अंत कि वेदों का अंत, इस अंत का मतलब एंड नहीं है, इसका मतलब है कि उसका तथ्य, उसके अंदर है क्या सब्सटेंस, कि अंत में तो ये तथ्य निकलता है कंक्लूजन, तो वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए वेदों की अच्छी बातों को सिस्टमेटिकली इजी लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाने के लिए। और इसमें इन विच कोर्स एस्टैब्लिश वेदांत कॉलेज 1925, इन विच कोर्सेज बोथ इन इंडियन एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस। इंडियन पढ़ाई भी थी, वेस्टर्न एजुकेशन भी थी, और सोशल साइंस भी थी और फिजिकल साइंस भी थी। फिजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब आ जाएगा, क्लियर। और उन्होंने फारसी भाषा में पर्शियन लैंग्वेज में 1809 में एक जो कहते हैं ना पेपर लिखा था जिसका नाम था तुहाफत उल मुवाहिदीन। ये क्या था? अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स, गॉड इज वन के ऊपर उनके विचार, ठीक है ना। सिर्फ सबसे बड़े लीडर तो कौन थे? ब्रह्मो समाज के लीडर कौन? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। लेकिन बाकी जो दो बड़े नेता थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्वाइन कर गए, उसके 10 साल के बाद ज्वाइन किया केशव चंद्र सेन ने। लेकिन बाद में इन्हीं दो लीडर्स के की राइवलरी की वजह से ब्रह्मो समाज के टुकड़े हो गए। देयर वॉज राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई तब तक, ठीक है। देयर वॉज स्प्लिट इन 1866, देवेंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड आदि ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का एक टुकड़ा अलग हो गया और क्या बना? आदि ब्रह्मो समाज बना लिया देवेंद्रनाथ टैगोर ने, एंड तत्व बोधिनी सभा, और एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन, ठीक है। और एक और लीडर थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस, ये भी ब्रह्मो समाज में ही थे। उन्होंने कहा कि अब ना ब्रह्मो समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई है, तो उन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज बनाया। एक और थे रिटायर्ड जस्टिस थे, जस्टिस एमजी राणे, ठीक है। उन्होंने बनाया प्रार्थना समाज। तो इस प्रकार से कई समाज निकले और टुकड़े टुकड़े हो गया ब्रह्मो समाज, क्लियर। हम अगले सेशन में आपको पढ़ाएंगे आर्य समाज के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आर्य समाज बना, क्यों बना, और डीएवी स्कूल्स, डीएवी कॉलेजेस इसके अंतर्गत बने। और दूसरा गुरुकुल, आज भी आपको बहुत जगह गुरुकुल स्कूल्स मिलेंगे। तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इंडिया में रिवाइव किया गया, दयानंद एंग्लो वैदिक सिस्टम आया, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय संस्कृत लैंग्वेज के खिलाफ नहीं थे, संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ाने के खिलाफ थे। आप संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाओ बहुत अच्छी बात है, हमारे देश की भाषा है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस पढ़ानी है तो आप उसे संस्कृत में क्यों पढ़ा रहे हैं? आप उसको उस भाषा में पढ़ाएं जो कि जनता की भाषा है, जनता जिस भाषा में बातें करती है। ये कहा था किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया वंशिका? Yes sir, got it. तो आज के सेशन को, ये ब्रह्मो समाज के ऊपर हमारा सेशन था, इसको मैं यहाँ पर दी एंड करना चाहूंगा। और अगला सेशन अब से 20 मिनट की ब्रेक पर होगा, 5:15 पर होगा, एंड दैट शैल बी ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जगह मैं लीगल एप्टीट्यूड कुछ करना चाहता हूँ आपको, जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। तो
वो मैं आज आपका सेशन लगाने वाला हूँ 5:15, ठीक है, 5:15 पर, ओके।